Hi everyone, welcome to Grateful Leonard. Welcome to this video. My name is Deepak Kumar. I am the founder of Grateful Leonard in Civil Engineering. Today is our topic is Surveying and Labeling. Basically, आज हम पढ़ने वाले हैं Surveying and Labeling के बारे में जो एक part है uh, Surveying का। Okay, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे Surveying and Labeling के बारे में। इसका रोल है अज चीज़ Civil Engineer, Construction Side पे जब work के start करते हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन uh, वाली वर्क स्टार्ट कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन वाली वर्क स्टार्ट कर रहे हैं या uh, घर बनाना स्टार्ट करें किसी भी कोई भी तरीके की कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लेवलिंग करना हमें स्टार्ट करना होगा तो चलिए डिटेल डिटेल में में पढ़ते हैं इस वीडियो में लेवलिंग और सर्वेइंग के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग लेवलिंग एक्चुअली होता क्या है ओके तो व्हाट इज लेवलिंग लेवलिंग इज द प्रोसेस बाई विच डिफरेंसेस इन हाइट बिटवीन टू

ऑफ ए गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गवन और एज्यूमरेंट एंड द कॉमन लेवलिंग इंस्ट्रोमेंट्स इंक्लूड द स्प्रीड लेवल एंड डी लेवल द डिजिटल लेवल एंड द लेजर लेवल डिज आर द कॉमन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेवलिंग के लिए उसके लिए स्प्रीड लेवल का हम यूज करते हैं फर्स्ट फिर हम डंपी लेवल का यूज करते हैं डंपी लेवल जो ये पार्ट्स होता है एंड द डिजिटल डिजिटल लेवल एंड द लेजर लेबल ये तीन टाइप्स का ये तीन ये थ्री टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं लेबलिंग के नेक्स्ट हम पढ़ देंगे टूल्स फॉर लेबलिंग टूल्स क्या क्या होते हैं लेबलिंग के लिए तो स्प्रिट में और बबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे है यहाँ पे बबल है इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू इंडिकेट वेदर इज लेवल और आर द टूल्स फॉर लेवलिंग एंड द नेक्स्ट वन इज स्प्रीट लेवल बेसिकली लेवल होता क्या है स्प्रिट लेवल वेरी लेंथ में एट वेरिएशन होता है एक आठ इंच से लेकर uh, के सोलह फीट तक ये होता है और कैन ऑल्सो भी मैग्नेटिक ये एक मैग्नेटिक होता है एंड क्वालिटी ऑफ लेवल्स वेरी मार्केटली क्वालिटी ऑफ लेवल्स के क्या होते हैं वेरी मार्केटली होते हैंटिक दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेवलिंग मैग्नेटिक मैग्नेटिक मशीनरी डिजिटल लेवल्स एंड द ट्राइपोर्ट दीज आर दार्ट लेक्ट वन इज ए लाइन

ट uh, तो देगा, देगा वो कॉर्डिनेट सही देगा वो बबल के अनुसार ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज वाट इज वाटर लेवल द ट्यूब इज फील्ड विथ वाटर सोड आर द वाटर जो वाटर जो वहां पर आप देखते हम पॉइंटर के बीच में जो रहता है उसमें वाटर वो वाटर लेवल की हम बात कर रहे हैं जो बीच में बबल्स होते हैं

It's considered for telescopic attachment with the level tube, which can be tilted within a few degrees in the vertical vertical planes by a tilting screw. Very accurate, very difficult to set up. Can also set uh grades and the work similar to a plumper's pipe labels have been replaced to a total stations. Iscom replace total stations. These are the tilting transit level. Now the next one is what definition line of

टू ओनली बी अटअप लेवल विथ इन इट्सिंग कॉम्पेस्ट विच एड एडजस्ट लाइन ऑफ कैलिमेशन जनरली एक्यूरेट टू प्लस माइनस टू एम एम नाउ दो नेक्स्ट वट इज ऑटोमेटिक लेवल किस अनुसार होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं बेस प्लेट को देखते हैं एक पिक्चर में समझाया गया है यहाँ पे ऑटो लेवल को कौन कौन उसके पार्ट होते हैं जो सर्वेइंग के में हम लेवलिंग के लेवलिंग के लिए यूज करते हैं यहां मैं बताता हूँ फर्स्ट हमारा बेस प्लेट है ये हमारा देखिए वन हमारा ये बेस प्लेट है ठीक है देन ऑरिएटल सर्कल हमारा टू है ओरिएंटल सर्कल हमारा टू है ओरियंटल सर्कल जिसे हम घुमाते हैं जैसे हम जिसमें एंगल पता चलती है कि किस किसान देन आईपीएस जहां से हम देखते हैं वो हमारा थर्ड हुआ है यहाँ से हम देखते हैं ओके ना तो सर्कुलर बबल सर्कुलर बबल यहाँ पे फोर्थ पे फोर्थ पे आप देखिए यहाँ पे सर्कुलर बबल यहाँ पे सर्कुलर बबल जिसे ये आपको दोनों पार्ट्स देख रहे हैं होंगे ये दोनों इसको, इसको हम और इसको हम घुमाते हैं लाइक लाइक एक को फिक्स करके दूसरे घुमाते हैं फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा नाइन्थ में जो हमारा फुट स्क्री होगा उसको भी हम घुमा दो तो बबल को एक्चुअली जब लेवलिंग फाइन ट्यून करते हैं तो बबल्स को बीच में लाना होता है ठीक है जो पॉइंटिंग करके ये पहले सबसे पहले ट्राईपोर्ड पर डाल करके ऑटो लेवल का ठीक है तो देन उसको हम स्क्रू करेंगे देन वो देन हम लाइंग बबल्स को सेंटर में लाएंगे देन उसके बाद हम जब आईपी से देखना है, स्टार्ट करेंगे दे जहाँ की हमें लेवलिंग फाइनटून करना है वहाँ की हमें लेवलिंग होगा देन देन उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे फिर हम देख लिए सर्कुलर दे फाइव हम पॉइंटर देख लेते हैं साइटिंग पॉइंटर है यहाँ पे ओके वहाँ साइटिंग पॉइंटर हम डे टू डेट देख सकते हैं देन ऑब्जेक्टिव लेंस सिक्स में आप ऑब्जेक्टिव लेंस देख लीजिए सेवन में फोकसिंग नॉब फोकसिंग नॉब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवन देन मोशन देन देन फुट स्क्रू ड्राइव है यहाँ पे जाऊंगा नाउ द नेक्स्ट वन इन द लेजर लेवल लेजर लेवल एक्चुअली होता है एज ए कंप्यूटर सिमिलर टू ऑटोमेटिक लेवल रेडियर्स लेजर लैब थ्री सिक्सटी थ्रू लाइन ऑफ कैलिमिनेशन एंड द लेजर इज पिक्ड रिसीवर टू इंडिकेट लाइन ऑफ कैलिमिनेशन दे आर द पार्ट्स एंड द सम लेजर्स आर सेल्फ लेवलिंग सम लेजर्स आर सेल्फ लेवलिंग सर्वेइंग क्वालिटी लेजर लेवल्स आर डिजाइंड विथ टू फीचर्स विजिबल और नॉन विजिबल एंड रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग दीज आर दीज आर द वर्क वेयर एज यूज एज लेबलिंग्स

डिस्टेंसेस कर सकते हैं उसके अनुसार टोटल 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 आप अच्छे शैली रन कर सकते हो ये ये सारा ये हमें स्टार्ट करने का दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोटल टोटल स्टेशन कैसे रन करता है ओके नाउ द एड इन माइक्रोस्कोपर लेजर प्लेट एंडर ऑप्शन फॉर

तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कॉमेंट करें धन्यवाद